नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़े खबरों को जानते हैं, जिसमें हम जानेंगे बिहार में कोरोना अपडेट, विधानसभा चुनाव को लेकर बारिश को लेकर कितने दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया गया है, पटना से झारखंड के बीच ट्रेन परिचालन के समाचार को लेकर, कृषि बिल के खिलाफ होने वाले आंदोलन को लेकर, साथ ही जानेंगे पटना में पूर्णतः कब से हाईकोर्ट खुल जाएगा, पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर, साथ ही राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर, बिहार में पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर, और फिर साथ में ये भी जानेंगे कि पटना में मेट्रो का किन किन जगहों पर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या अब तक 1,74,366 पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,203 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में मात्र एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल मरने वालों की संख्या 874 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,58,546 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,490 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 9 निजी क्षेत्रों को कोविड-19 वायरस के जांच RT-PCR पद्धति से करने की अनुमति दी है। विभाग ने इन सभी निजी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे सभी कोविड-19 वायरस की RT-PCR पद्धति से जांच का सिर्फ 1,500 रुपये ही शुल्क ले सकेंगे। विभाग ने कहा कि ICMR द्वारा कोविड-19 वायरस की जाँच के लिए पटना के सेन डायग्नोस्ट प्राइवेट लिमिटेड, बुधमार्ग सुरक्षा डायग्नोस्ट सेंटर, बोरिंग रोड सरल पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड कांकड़बाग, इंदिरा डायग्नोस्ट कांकड़बाग, पॉपुलर नर्सिंग होम, अशोक राजपथ, डॉक्टर लाथ पैथ लिमिटेड, राजा बाजार, SRL लैब फ्रेजर रोड और नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अनुमति दी है। तो राज्य में बारिश को लेकर अभी खतरा टला नहीं है। जी हां, राज्य में अब 27 तक बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में उफान को देखते हुए प्रभावित इलाकों में नाव की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की सूचना के बाद प्रशासन ने जिले में 27 सितंबर तक भारी बारिश की जानकारी देते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अत्यधिक बारिश से जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में फिर से तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। पूरे राज्य के जिले में पूर्वा हवा के साथ दिनभर रिमझिम या बूंदाबूंदी बारिश हुई। इसके साथ ही अगले 4 दिनों तक जिला समेत पूरे उत्तर बिहार में मानसून की सक्रियता और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान जिले में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। तो वही नेपाल में हो रही बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण हालात गंभीर है। नेपाल व बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। गोपालगंज, बेतिया, अररिया, पूर्णिया के साथ ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश के बाद स्थिति बिगड़ चुकी है। वहीं वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण गोपालगंज के लोग भय के साये में जी रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर वैसे लोगों के लिए है जो झारखंड से पटना, पटना से झारखंड ट्रेनों के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं। जी हां, ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर धनबाद से पटना व बनारस की यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। 3 चरण में इसे चलाने की योजना है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे की ओर से धनबाद रेल मंडल ने 11 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी। इनमें से जो ट्रेन चलने वाली है उनके नाम धनबाद अलेप्पी एक्सप्रेस, धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली पटना पलामू लिंक एक्सप्रेस, धनबाद रांची इंटरसिटी, धनबाद गया इंटरसिटी, धनबाद पटना इंटरसिटी, सिंगरौली वाराणसी इंटरसिटी, शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी। इस सभी ट्रेनों का परिचालन जल्द ही शुरू होने वाला है।
तो राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में जिले में वोटर की संख्या 40,70,681 हो गई है। 1 जनवरी 2020 के पात्रता तिथि के आधार पर फरवरी में प्रकाशित की गई वोटर लिस्ट की अंतिम सूची के अनुसार वोटरों की संख्या 40,36,463 थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर चल रहे अभियान के कारण अब तक 34,218 वोटरों की संख्या बढ़ गई है। 27 सितंबर को भी सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। अगर आपका नाम अभी भी नहीं जुड़ा है तो आप 27 सितंबर को जाकर अपना नाम जरूर जुड़वाएं। तो पटना में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, अगले 3 साल के बाद ही आप पटना में मेट्रो में लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं बात करें अगर कुल स्टेशनों की तो कुल 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो कॉरिडोर 1 जो रहेगा आपका दानापुर से मीठापुर रहेगा, इसकी कुल लंबाई 17.5 किलोमीटर रहेगी। अगर बात करें इसमें स्टेशनों की तो इसमें कुल 14 स्टेशन शामिल है, इसमें से 6 अंडरग्राउंड और 8 स्टेशन ऊपरगामी वाले हैं। अंडरग्राउंड स्टेशनों में रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना रेलवे स्टेशन है, जबकि दानापुर, सुगना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जगनपुर और खेमनी चक ऊपर वाले स्टेशन है। राज्य सरकार ने आम लोगों के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। अब लोगों को थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और बेहद कम समय में ही यह काम हो सकेगा। सभी थानों को इस काम के लिए एक विशेष टैब और इसमें एक खास तरह का ऐप अपलोड करके दिया गया है। एम पासपोर्ट वेरिफिकेशन नामक खासतौर तरह के ऐप का लोकार्पण गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और नए डीजीपी एसके सिंगल ने किया है। पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस ऐप को लॉन्च करते हुए अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि राज्य के 1,308 थाने में अब इस विशेष टैब को मुहैया करा दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राज्य में अब घर से ही कचरा लेने वाली गाड़ी का लोकेशन का पता लगा पाएंगे। कचरा का उठाव होने पर इसकी जानकारी घर वालों को मिल जाएगी। इसके लिए शहर में 3.5 लाख निजी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दीवार पर विशेष QR टैग लगेगा। लोगों की शिकायत सुनने व उसके समाधान के लिए कंट्रोल रूम व मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऐप से कचरा गाड़ियों के लोकेशन, कचरा शुल्क भुगतान, वार्ड के सफाई निरीक्षक व ड्राइवर से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। आपको बता दें कि निगम की सभी गाड़ियों, हाईवा, स्वीपिंग मशीन, कचरा गाड़ी आदि में GPS लगाया जाएगा, जिससे ये सुविधा संभव हो पाएगा। राज्य के सभी पैक्स के पास अपने अपने कृषि उपकरण होंगे। 2927 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित होने जा रहे हैं। हर पैक्स अपने क्षेत्र में सबसे अधिक होने वाली फसल के अनुकूल कृषि कार्य के लिए उपकरण खरीद सकेंगे। योजना में वित्तीय 2020-21 के लिए 439 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अब छोटे किसान भी किराए पर उपकरण को ले सकेंगे। कृषि बिल को राजद बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहा है। पार्टी किसानों की पीठ पर हाथ रखकर वोट साधने की तैयारी में है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 25 सितंबर से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार होगी। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि राजद हमेशा किसान के साथ रही है और आगे भी रहेगी। इस मुद्दे को लेकर वह लड़ाई लड़ने को तैयार है। महागठबंधन में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा राजद और कांग्रेस का साथ छोड़ NDA का दामन थाम सकते हैं। कुशवाहा का यह फैसला चौंकाने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह महागठबंधन में उनकी एक बात भी सुनी नहीं जा रही है, इसको लेकर उन्होंने काफ़ी पहले ही मूड बना लिया है। सूत्रों की माने तो NDA में जाने पर उन्हें 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है, इसमें 2 या 3 सीटें उनकी पसंद की होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि महागठबंधन छोड़ थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया है। सरकार ने इसे मंजूर भी कर लिया है। पांडे के जदयू के टिकट से विधानसभा या फिर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि पूर्व डीजीपी ने साफ तौर पर अब तक सियासी पारे पर कुछ साफ नहीं किया है। गुप्तेश्वर ने गुरुवार को कहा कि बिहार की जनता मुझे पसंद करती है, मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूँ, मुझे 14 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। पटना हाईकोर्ट को खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब 29 सितंबर को पता चलेगा कि कोर्ट वर्चुअल ही रहेगा या फिर फिजिकल में चलेगा। कोरोना के कारण हाईकोर्ट मार्च से वर्चुअल चल रहा है, ना तो न्यायाधीश जाते हैं और ना ही वकील। मुकदमा दायर करने का तरीका भी बदल चुका है, वकील ईमेल से मुकदमा दायर कर रहे हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह व जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की फुल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अब 29 सितंबर को फैसला होगा कि कोर्ट वर्चुअल चलेगा या फिर फिजिकल चलेगा। और अंत की खबर है राज्य में कोचिंग को खोलने को लेकर। प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के बैनर तले कोचिंग सेंटर के संचालकों ने बुधवार को डीएम को कोचिंग खोलने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा है। सुबह 11 बजे करीब 50 प्राइवेट ट्यूटर और कोचिंग संचालक समारोह में इकट्ठा हुए। दो प्रतिनिधि डीएम राजेश कुमार झा से मिले। उन्होंने शिक्षक की मांग को सरकार तक पहुँचाने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।